कोमल दिल्ली की रहने वाली हैं और अपने पिताजी की तबीयत को लेकर काफी चिंतित चल रही हैं। ऐसे में उन्होंने हमसे मदद मांगी है। कोमल के पिताजी की उम्र 55 साल है और वो डायबिटिक हैं। पिछले कुछ समय से उन्हें धुंधला दिखना शुरू हुआ। रोशनी पड़ने पर उनकी आंखें एकदम चौंधिया जाती थी, चीजें डबल दिखने लगी। चश्मे का नंबर बदलवाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें मोतियाबिंद हो गया है, यानी कि कैटराक्ट। डॉक्टर्स ने पिताजी की सर्जरी करवाने को कहा है, साथ ही उन्हें एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताया है जिससे बड़ी आसानी से मोतियाबिंद का इलाज हो सकता है। इस टेक्निक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लेडलेस लेजर कैटराक्ट सर्जरी। अब जितना बड़ा इसका नाम है, ये टेक्निक उतनी ही असरदार भी है। इसमें रिकवरी भी बड़ी जल्दी होती है, पर क्योंकि एक नई टेक्निक है इसलिए कोमल के मन में कई सारे सवाल हैं। वो इस सर्जरी के बारे में जानकारी चाहती है, साथ ही वो ये भी जानना चाहती हैं कि क्या ये सेफ है। हमारे देश में मोतियाबिंद एक बहुत ही आम समस्या है। यहाँ तक कि नेशनल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट सर्वे के मुताबिक हमारे देश में आंखों की रोशनी जाने का सबसे बड़ा कारण मोतियाबिंद है, खासतौर पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में। यही नहीं, इंडिया में 74% लोगों को मोतियाबिंद होता है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। अब ऐसे भी जरूरी है कि मोतियाबिंद से जुड़े नए इलाजों के बारे में लोगों को सही जानकारी हो। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मोतियाबिंद क्या होता है और क्यों होता है। देखिए, मोतियाबिंद जो है, जिसको हम लोग कैटराक्ट भी कहते हैं, ये हमारे आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसकी एक बीमारी है। देखिए, ऊपर वाले ने हमारे आंखों के अंदर जो ये लेंस है इसको शीशे की तरह साफ बनाया है या ट्रांसपेरेंट बनाया है, क्लियर बनाया है। लेकिन जैसे बढ़ती उम्र के साथ बाल सफेद हो जाते हैं, वैसे ही बढ़ती उम्र के साथ ये जो लेंस है आंख के अंदर का लेंस, ये सफेद हो जाता है। इस सफेदी को हम लोग मोतियाबिंद या कैटराक्ट कहते हैं। अब एक बारी ये लेंस सफेद हो गया तो आंख के अंदर जो लाइट आ रही है वो कुछ हद तक रुक गई और पूरा पर्दे तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए मरीज को धुंधला दिखता है। मरीज के चश्मे का नंबर बार बार चेंज होने लगता है। सामने से अगर लाइट आती है, अगर मरीज गाड़ी चला रहा है, सामने से लाइट आती है तो वो उसको चौंध की तरह दिखती है, फैली हुई दिखती है। कभी कभार मरीज को डबल दिखना शुरू हो जाता है, शैडो दिखना शुरू हो जाती है, सितरंगा सा दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपकी आंखों में आ रही है और आपकी उम्र 50-60 साल से ऊपर है तो बहुत हाई चांस है कि आपकी आंख में मोतियाबिंद की दिक्कत हो रही है। देखिए, मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ एक ही है, एक ऑपरेशन जिससे इस सफेद लेंस को निकाल दिया और इसकी जगह पर एक नया साफ सुथरा लेंस डाल दिया। कोई योगा, कोई ड्रॉप, कोई गोलियां, कोई जड़ी बूटी, कोई मसाज, कोई आयुर्वेदा, कोई होम्योपैथी इस मोतियाबिंद का इलाज नहीं कर सकती। इलाज सिर्फ एक ही है कि ऑपरेशन से इस सफेदी को निकालो और इसकी जगह पर एक नया साफ सुथरा लेंस डाल दो। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला ऑपरेशन है जो अब पुराना हो गया है, जिसको हम लोग कहते हैं फेको इमल्सिफिकेशन ऑपरेशन, और अब जो लेटेस्ट ऑपरेशन आया है उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लेडलेस लेजर कैटराक्ट सर्जरी। देखिए, जो पुराने वाले ऑपरेशन है जैसे फेको या फेको इमल्सिफिकेशन, इसमें जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद नजर की क्वालिटी आएगी वो डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है और सर्जिकल स्किल कितना है। तो इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि डॉक्टर ने कितने फाइन तरीके से ऑपरेशन करा है। लेकिन ऑफ कोर्स एक इंसान का हाथ 100% तो नहीं हो सकता, तो इस खामी को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लेडलेस लेजर सर्जरी को लॉन्च किया गया था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेजर की हेल्प से हम लोग बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट्स आपको दे पाते हैं। ऑपरेशन में किसी भी तरह का ब्लेड या चीरफाड़ नहीं होती, सेफ्टी बहुत ज्यादा हो गई है, कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट आती है
और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है। इनफैक्ट इतनी फास्ट रिकवरी हो गई है कि हम कहते हैं आज ऑपरेशन कराया, कल से दिखना शुरू, 3-4 दिन का आपने परहेज रख लिया और उसके बाद आप सारे अपने काम शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ऑपरेशन की खासियत यह है कि पूरे ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई टांका नहीं लगता, कोई ब्लेड नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती। पूरा ऑपरेशन बस आंखों में ड्रॉप्स डाल के कर दिया जाता है। देखिए मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जब हम इस सफेद लेंस को निकालते हैं तो इसकी जगह पर एक साफ सुथरा क्लियर आर्टिफिशियल लेंस भी डाला जाता है। इस आर्टिफिशियल लेंस के 3 तरह के डिजाइन्स हैं। पहला डिजाइन है मोनोफोकल, दूसरा डिजाइन है ईड ऑफ और तीसरा डिजाइन है मल्टीफोकल। इन तीनों डिजाइन्स में ईड ऑफ वाला जो लेंस है वो सबसे ज्यादा कारगर और पॉपुलर माना गया है आज की तारीख में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लेडलेस लेजर सर्जरी ये कितनी कमाल की है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। इसमें ना चीरा लगता है ना ही पट्टी बांधनी पड़ती है। अब बात आती है इसकी कीमत की। इसमें एक आंख की सर्जरी की कीमत है 1 लाख रुपए, यानी दोनों आंखों की लगभग 2 लाख रुपए। तो ये तो हो गई बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लेडलेस लेजर सर्जरी के बारे में। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए नवजात बच्चों के रोते वक्त आंसू क्यों नहीं निकलते। इंसान दुनिया में रोते हुए आता है और जो नहीं रोता है उसे रुलाया जाता है। पर आपने कभी नोटिस किया है कि नवजात बच्चे जब रोते हैं तब उनके आंसू नहीं निकलते, ऐसा क्यों? आंसू गिरना तभी मुमकिन है जब आंखों तक आंसू लाने वाली जो पाइपलाइन समझ लीजिए वो ढंग से बन जाए। जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये पाइपलाइन पूरी तरीके से बनी नहीं होती है। इस वजह से उनकी आंखों में इतने ही आंसू आ पाते हैं जितने में उनकी आंखें नम बनी रहें। टप टप आंसू गिरने लायक आंसू बनने में समय लगता है। टियर डक्ट में आंसू लैक्रिमल ग्लैंड यानी आंखों में मौजूद एक ग्रंथि से आते हैं। अब ये लैक्रिमल ग्लैंड क्या है? बादाम के आकार की 2 थैलियां सी होती हैं आपकी भवों के ठीक नीचे और थोड़ा बाहर की तरफ। इसी में आंसू बनते हैं। अब नवजात बच्चों की आंखों में लैक्रिमल ग्लैंड से आंखों तक आंसू लाने वाले डक्ट्स उनके जन्म के 1 महीने के बाद पूरी तरह से बनते हैं और कभी कभी इसमें 3 महीने तक का भी समय लग सकता है। बच्चा बड़ा हो गया है, 3 महीने से ज्यादा उम्र हो गई है, फिर भी आंसू नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे की आंखों तक आने वाले इंटीरियर डक्ट्स में किसी तरीके की ब्लॉकेज या फिर रुकावट है। इसके लिए आपको डॉक्टर को बच्चे को दिखाना जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले चिंता की कोई जरूरत नहीं है, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए अगर डायबिटीज है तो आपके लिए बेस्ट दाल कौन सी है। लंच हो या डिनर, दाल हमारी डाइट का एक अहम हिस्सा है। अब अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट दाल कौन सी है ये हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। देखिए डायबिटीज वालों के लिए चना दाल बहुत फायदेमंद होती है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये प्रोटीन का एक बढ़िया सोर्स है। 30 ग्राम चना दाल यानी कि चना दाल के 2 टेबलस्पून में होता है 6 से 7 ग्राम प्रोटीन। साथ ही इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स भी होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं और एक्टिव रखते हैं। चना दाल में पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए ये आपके दिल की सेहत के लिए भी अच्छी है और अंगों में आई सूजन से निपटने में मदद करती है। इसलिए अपनी डाइट में चना दाल जरूर शामिल करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।